हेयर वैक्स यूज करने की वजह से मेरी हेयर डैमेज हो गई है एंड अब मुझे हेयर फॉल हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपको भी आते हैं? कोई बात नहीं, हमें नहीं यहाँ पे बॉस। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज तेज कामत एंड यू आर वाचिंग फैशन सियाप्पा। किसी भी बॉलीवुड स्टार को देखने के बाद जब आपको ऐसा फील हो रहा हो कि काश ऐसा हेयर स्टाइल मेरे पास भी होता तो मतलब कितना अच्छा होता, इसीलिए हम यहाँ पे हेयर केयर सीरीज बना रहे हैं। हमने पहले एपिसोड में देखा कि कैसे शैम्पू आपके हेयर के लिए अच्छा नहीं या कैसे वो अच्छा है और कौन से आपको ब्रांड यूज़ करने चाहिए। हमने सेकेंड एपिसोड में देखा कि कैसे प्री स्टाइलर्स को आपको यूज़ करना चाहिए, वो क्या होता है, कौन से अच्छे ब्रांड्स हैं जो आपको यूज़ करना चाहिए। एंड अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो ये रहा आई बटन, पहले इन दोनों वीडियो को देखो उसके बाद ये तीसरे एपिसोड के ऊपर आना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोस्ट स्टाइलर्स क्या होते हैं और उसको यूज़ कैसे किया जाए एंड ऑल्सो कौन से ऐसे अच्छे ब्रांड्स हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए, जो मैंने पर्सनली यूज़ किया है एंड उनके जो रिजल्ट्स मुझे अच्छे मिले हैं उसी के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करता हूँ। तो आप चाहो तो वो सारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि पोस्ट स्टाइलर्स होते क्या हैं। बेसिकली पोस्ट स्टाइलर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप प्री स्टाइलर के बाद अपने हेयर में अप्लाई करते हो ताकि जो आपने डिजायर हेयर स्टाइल किया हुआ था प्री स्टाइलर के ऊपर, अब जब आपको फाइनल लुक चाहिए आपके हेयर स्टाइल का तो पोस्ट स्टाइलर आपकी बहुत हेल्प करता है। एंड ये प्रोडक्ट बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आपके हेयर को लॉक करके रहता है कुछ टाइम के लिए, यानी 2 से 3 घंटा या मैक्स टू मैक्स 4 घंटा तक आपके हेयर वैसे ही रहेंगे, वैसा ही स्टाइल आपके हेयर में रहेगा और साथ ही आपके हेयर को ये हेल्दी दिखाने का काम बहुत अच्छी तरह करता है। हेल्दी दिखाता है, हेल्दी होता नहीं है, इस चक्कर में नहीं पड़ना। एंड आपके हेयर नीट और टाइडी रहती है, अच्छी दिखती है पोस्ट स्टाइलर्स अप्लाई करने के बाद। तो कौन से पोस्ट स्टाइलर है जो आपको यूज़ करना चाहिए, तो हम बात करते हैं हमारे पहले पोस्ट स्टाइलर की जो कि है हेयर जेल और हेयर क्रीम। अब हेयर जेल है हम अपने स्कूल के टाइम यूज़ करते थे, आई डोंट नो आप यूज़ किया है आपने कभी या नहीं, बट मैं तो डेफिनेटली वो यूज़ करता था क्योंकि उस टाइम लिए देखिए हमारे पास हेयर जेल ही था। उस टाइम शायद हेयर वैक्स या कोई और प्रोडक्ट इतने ट्रेंड में नहीं थे या फिर इंडिया में अवेलेबल नहीं थे या हमें पता नहीं था, तो मैं बेसिकली हेयर जेल ही यूज़ करता था। हेयर जेल में क्या होता है कि वो आपके हेयर में जब आप उसको अप्लाई करते हो वो सूख जाने के बाद वैसे ही वो लॉक हो जाता है, उसके बाद आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि उसके अंदर बहुत सारा अल्कोहल होता है जो आपके हेयर को बहुत बुरी तरह डैमेज करता है। तो बेसिकली हेयर जेल क्या होता है, वो एक वाटर पेस्ट फॉर्म में होता है जो आप अपने हेयर में अप्लाई करते हो एंड वो प्रोडक्ट आपके हेयर के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है एंड वो आपको स्टेडी रखता है। उससे आपका कोई बहुत अच्छा हेयर स्टाइल आपको मिलने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे खड़ा रखना चाहते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। खड़ा एज इन कैसा, वो तारे ज़मीन पर जो आमिर खान ने अपने हेयर को रखा था वो स्टाइल, आप चाहो तो वो हेयर जेल से आपको अचीव हो सकता है। इसी के साथ बात करते हैं हम हेयर क्रीम की। तो हेयर जेल के कंपेरेटिवली मैं हेयर क्रीम को यूज़ करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा सेफ है कंपेरेटिवली हेयर जेल के। तो जो हेयर क्रीम मैं पर्सनली यूज़ कर रहा था वो था खादी का प्रोटीन क्रीम। ये बेसिकली मैं इसलिए यूज़ कर रहा था क्योंकि मेरे हेयर में मेरे को एक्सटर्नल प्रोटीन की कमी को वो पूरा कर देता था और साथ में मेरे हेयर को नरिशमेंट भी बहुत अच्छी तरह देता था वो, इसलिए मैंने वो यूज़ किया। आप चाहो तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ बात करते हैं कि कौन से ब्रांड आपको यूज़ करने चाहिए जो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो उसमें से सबसे पहले खादी का हेयर क्रीम, प्रोटीन हेयर क्रीम। सेकंड आप यूज़ कर सकते हो अराता की जीरो केमिकल हेयर जेल, ये बहुत अच्छी है, इसके अंदर केमिकल्स भी बहुत कम है, तो आप वो जेल यूज़ कर सकते हो। थर्ड आप लोरिया होमी की यूज़ कर सकते हो एंड फोर्थ मैन आर्डन की यूज़ कर सकते हो। इनमें से आपको कोई भी अगर खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ आते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्ट स्टाइलर के ऊपर जो कि है हेयर वैक्स। अभी हेयर वैक्स के नाम से ही आप समझ सकते हो कि इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर होता है वैक्स जो आपके हेयर में जब आप अप्लाई करते हो तो उसको वो स्ट्रेट बना देता है एंड आपके हेयर में जो वॉल्यूम रहती है उसको वो बहुत देर तक मेंटेन रखता है। मिनिमम 3 से 4 घंटे तक आपके हेयर में वैक्स रहता ही है एंड जो आपने हेयर स्टाइल किया था वो वैसा ही रहता है। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि आप अपने हेयर को रिस्टाइल कर सकते हो, यानी कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब आपके हेयर खराब हो जाएंगे तो आप वापस उसको स्टाइल कर सकते हो। कोम लोगे आप, अच्छे से उसको कोम करोगे, जैसा आपने हेयर स्टाइल पहले किया था वैसा तो नहीं आएगा, लेकिन अच्छा खासा हेयर स्टाइल मिल जाता है, तो ये रिस्टाइलेबल होता है। एंड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी की बात करो तो हेयर क्रीम ज़्यादा सेफर है देन हेयर वैक्स क्योंकि इसके अंदर अनवांटेड कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके हेयर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसके लिए मैं इसको कभी भी रोज़ यूज़ करना आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ऑल्सो अगर लॉन्ग लास्टिंग की बात की जाए तो हेयर क्रीम इतना लॉन्ग लास्ट नहीं करता है एंड ऑल्सो आपको वॉल्यूम वैसा नहीं मिलेगा और जो आपको
वो होल्ड रहता है ना हेयर में, वो नहीं रहेगा हेयर क्रीम में, लेकिन हेयर वैक्स में बहुत अच्छा होल्ड होता है। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये हेयर प्रोडक्ट लगाने के बाद रात को सोने से पहले इसको वॉश करना भूलना नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपके हेयर ड्राई हो जाएगी एंड रिजल्टिंग उसमें डैंड्रफ्स होंगे, उसके बाद आपको हेयर फॉल डेफिनेटली होगा। इसलिए आप इसको रोज वॉश करके सोना जरूर। इसी के साथ बात करते हैं कि आपको कौन से ब्रांड्स यूज करने चाहिए। सबसे पहले आप उस तरह का हेयर वैक्स यूज कर सकते हो जो मीडियम और हार्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड में आता है। एंड सेकंड आप यूज कर सकते हो अर्बन गबरू की हेयर वैक्स, थर्ड आप बियर्डो का हेयर वैक्स यूज कर सकते हो, एंड फोर्थ मैन आर्डन की आप हेयर वैक्स यूज कर सकते हो। ऐसे ही आते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्ट आयलर के ऊपर, जो कि है हेयर क्ले और पोमेड। अब इसका और वैक्स का ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसके इंग्रेडिएंट्स में फ़र्क होता है। उसमें वैक्स होता है और इसके अंदर क्ले होता है। क्ले बेसिकली आपके हेयर को है ना बहुत ज़्यादा हेल्दियर दिखाता है एंड स्टिकी नहीं होता है वो, जो आपको वैक्स में मिलेगा। ये थोड़ा सा आपके हेयर को ड्राई कर देता है, जिसके वजह से आपकी हेयर है ना कुछ अच्छे से स्टाइल हो पाती है। एंड कंपेरेटिवली वैक्स के ये थोड़ा सा जल्दी रिस्टाइलेबल होता है, एंड मतलब जब आप फर्स्ट टाइम इसको लगाओगे तो ये स्टाइल बहुत जल्दी से हो जाता है। एंड साथ में आपके हेयर में जो होल्ड होगी वो भी वैक्स से कंपेरेटिवली अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पे आपके हेयर स्टिकी हो जाते हैं जो ऐसा वो बेंड होने लगेगा एक टाइम आने के बाद, लेकिन क्ले के केस में ऐसा नहीं होता है। ऑल्सो सेफ्टी साइड की अगर मैं बात करूँ तो हेयर वैक्स इतना सेफर नहीं है जितना हेयर क्ले होता है, एंड इसलिए अगर आप उन दोनों को में से कोई यूज़ करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली क्ले यूज़ कर सकते हो। एंड लॉन्ग लास्टिंग की बात की जाए तो हेयर वैक्स बहुत देर तक आपके हेयर में रहता है, लेकिन क्ले इतने देर तक आपके हेयर में नहीं होता है। तो अगर आप लॉन्ग लास्टिंग चाहते हो, आपके हेयर स्टाइल रहे उतनी देर, तो आप वैक्स यूज़ कर सकते हो। ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जो वैक्स और क्ले दोनों को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड इसलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि वो कौन से अच्छे ब्रांड्स हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए। ये दोनों मिक्स नहीं है, इसमें से एक है जो मिक्स है, मैं आपको बताता हूँ। तो वो सारे ब्रांड जो मेरे लिस्ट के अंदर है, सबसे पहले आप लोरिया का होमी यूज़ कर सकते हो, फिर उसके बाद ऑर्गेनो को यूज़ कर सकते हो। ये नई ब्रांड है लेकिन बहुत अच्छा है इसका रिजल्ट। मैं 3 से 4 महीने तक इसको यूज़ कर चुका हूँ एंड मुझे इसका रिजल्ट सच में अच्छा लगा, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। थर्ड आप यूज़ कर सकते हो मोरोकैनो ऑयल, एंड फोर्थ आप यूज़ कर सकते हो अर्बन गबरू की प्रोडक्ट। तो अर्बन गबरू बेसिकली वैक्स और क्ले दोनों को मिक्स करके प्रोडक्ट है, तो आप डेफिनेटली उसको ये ट्राई दे सकते हो। ऑल्सो इसी के साथ आते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्टर के ऊपर, जो कि हेयर स्प्रे। अब हेयर स्प्रे के बारे में सबको पता ही है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। हेयर स्प्रे बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है, जब आप कोई भी पोस्टर लगा लेते हो तो उसको आप लॉक करने के लिए उसके ऊपर स्प्रे करते हो, जिसकी वजह से आपकी हेयर अच्छी खासी लॉक हो जाती है। एंड इसका ड्यूरेबल 7 से 8 घंटे तक होता है। 7 से 8 घंटा मतलब ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप सुबह जाते हो ऑफिस में या कॉलेज में या कहीं पे भी, तो आपको शाम तक आपकी हेयर वैसे ही आपको मिलेगी। अगर आप अपने बालों में ऐसे हाथ नहीं घुमाते हो तो, बार बार हाथ घुमाओगे तो डेफिनेटली वो ख़राब हो ही जाएगा, इसलिए हम स्प्रे को यूज़ करते हैं। स्प्रे में बेसिकली क्या होता है, ये एक फाइन मिस्ट ऑफ केमिकल कंपाउंड है जो कि प्रोपाइल्ड होता है एरेसोल से, तो इतना ये इसके लिए टेक्निकली काफ़ी है। एंड इसका बस छोटा सा एक ड्रॉबैक है, जो कि इसके अंदर है बहुत सारा पोर्शन में अल्कोहल, जो आपके हेयर के लिए कितनी बुरी है ये मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट जिसके अंदर अल्कोहल होता है, सिलिकॉन होता है, मिनरल ऑयल होता है, वो आपके हेयर के लिए अच्छी नहीं होती है। इसके लिए मैं आपको इसको रोज़ यूज़ करना रिकमेंड नहीं करूँगा। आप इसको ओकेशनली यूज़ कर सकते हो किसी पार्टी में, फंक्शन में, डेट में, या कोई भी ऐसा फंक्शन हो जहाँ पे आप चाहते हो कि आपकी हेयर अच्छी दिखे और बहुत देर तक वैसे ही रहे, आपके अच्छे फोटोज़ आए, अच्छे वीडियो आए, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो इसको सोने से पहले वॉश करना बिल्कुल भी भूलना नहीं, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह आपके हेयर को ड्राई कर देता है, रिजल्टिंग आपके हेयर ब्रिटल हो जाएंगे, उसके अंदर डैंड्रफ्स होंगे, स्प्लिट एंड होगा, एंड फाइनली आप लैंड कर जाओगे हेयर फॉल के ऊपर। तो अगर आप नहीं चाहते हो तो इसको वॉश करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आई होप सो आपको ये समझ में आया मैंने ये सब क्या बोला, ये 4 ही प्रोडक्ट मैंने लिया है। हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि ऑयलिंग आपके हेयर के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे आपके हेयर के ग्रोथ को वो बूस्ट करता है, आपके हेयर को नरिशमेंट देता है, आपका स्कैल्प डैमेज फ्री रहे वो कैसे रहेगा, वही हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है इस चैनल के ऊपर। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आप अभी तक हमें देख रहे हो तो हम डैम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक मारते हुए चले जाना। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हो इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए चले जाना। ऑल्सो बेल आइकन दबाना और नोटिफिकेशन सिलेक्ट जरूर करना। एंड आप चाहो तो हमारे सोशल मीडिया पेज पे हमें फॉलो कर सकते हो, हम वहाँ पे कंटिन्यू अपडेटेड रहते हैं। आप वहाँ पे भी हमें टेक्स्ट कर सकते हो, DM कर सकते हो, हम वहाँ पे सभी का रिप्लाई दे देते हैं। अगर आपको झूठ लगता है तो नीचे कमेंट करके जाना कि मैंने टेक्स्ट किया था और तूने मुझे उसका रिप्लाई नहीं दिया है। ऐसा कभी होता नहीं है, तो आप चाहो तो वो ट्राई करके जा सकते हो। और अगर आपके वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, शायद उसकी कुछ हेल्प हो जाए इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेकिंग दिस पार्ट ऑफ योर डे। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड टू फैशन सी। आप मिलते हैं अगली वीडियो में। सो